सभी भाइयों को राम राम। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज फिर मैंने यम स्टूडियो 20 प्रो पैड पर एक भोजपुरी ढोल की चाटी और कांगो मिक्स करके बनाया है। आप लोग इसे ज़रूर बनाएं अपने पैड में और बजाएं। बहुत ही अच्छा पेज बना है ये। 20X 30 और 20 प्रो में बनाया जा सकता है और आप लोग ज़रूर बनाएं। और जो भाई लोग हमारे नए वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए आपको बजा के दिखा देता हूँ, उसके बाद और एडिटिंग भी बता दूंगा और आपको प्लेइंग भी बता दूंगा कैसे आप प्ले इसे करें। आइए चलते हैं पैड की ओर। इंस्ट्रूमेंट है आपको बता देता हूँ। पहले खाने में और पहले रेर में आप साउंड सुनिए, इसमें कुछ नहीं है। और दूसरे खाने में भी कुछ नहीं है पहले लेयर में। तीसरे खाने में 887 का साउंड है। चौथे खाने में 707 का साउंड है। और पांचवें खाने में 1211 का साउंड है। और छठे खाने में 1261 का साउंड है। सातवें खाने में 1261 का साउंड है। और आठवें खाने में 887 का साउंड है। आइए चलते हैं बायलूम की। और बायलूम सारे इंस्ट्रूमेंट का है, जो तीसरे खाने में, चौथे खाने में, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें में लगा है इसका बायलूम। आप 163 कर सकते हैं बायलूम इसका, 63 रखें। चलते हैं पिच की ओर। पहले तीसरे खाने का 0 है, चौथे खाने का 0 है, पांचवें का 0, छठे का 0, सातवें का 0 है और आठवें का 0 है। चलते हैं डीके की ओर। तीसरे खाने का 31 है, चौथे खाने का 31 है, पांचवें का 0 है, छठे का 0 है, सातवें का 0, आठवें का 0 है। आइए चलते हैं दूसरे लेयर की ओर। दूसरे लेयर में 1147 का साउंड लगा है। 1147 का साउंड है। दूसरे खाने में 1396 का साउंड है। चौथे खाने में 1146 का साउंड है। और चौथे खाने में 1016 का साउंड है। और छठे खाने में 971 का क्लिप है।
और सातवें खाने में 886 का साउंड है। और इसमें आइए चलते हैं वॉल्यूम की ओर। पहले का 63 है, दूसरे का 63 है, तीसरे का 63 है, चौथे का 63 है, पांचवें का 63 है, छठे का 63 है, सातवें का 63 है और आठवें में कोई साउंड नहीं लगा है। आइए चलते हैं डीके की ओर। अब पहले आप पिच देख लीजिए, पहले का +15 है, दूसरे खाने का +18 है, तीसरे खाने का 0 है, चौथे का 0 है, पांचवें में साउंड नहीं है, छठे का 0 है, सातवें का 0 और आठवें में साउंड नहीं है। आइए चलते हैं डीके की ओर। पहले का 0 है, दूसरे खाने का 0, तीसरे का 31 है, चौथे का 0 है और छठे का 0 है, सातवें का 0 है, आठवें का 0 है, आठवें में कोई साउंड नहीं है। आइए चलते हैं तीसरे लेयर की ओर। तीसरे लेयर में कोई साउंड नहीं लगा है, केवल हमने 2 लेयर ही यूज किए हैं। आप लोग 2 लेयर ही यूज करें और इसमें कोई तीसरा लेयर हमने यूज नहीं किया। आपको जो समझ में ना आया हो तो आप लोग हमसे फ़ोन पर या कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और सभी भाई लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें। राम राम।